Award for the best comedian for Hera Ferry, 1993 won Filmfare Award for the best villain. I mean, I can just continue and continue, but the other aspect, nobody knows that, I mean, the sir has been helping our institute in enormous ways, various forums, sir has helped for our patient care, he has been there for the mankind and now serving as a member of parliament. Definitely social aspects has huge contributions in the society. To our guest of honor, Shri Paresh Rawalji. King's College London, the faculty traveling all the way to India to give something back to the nation. We really honor, we admire the efforts taken by Professor K. Ray Chowdhury and Dr. Vinod Mehta. So I would request, if I can trouble Vandana ma'am once, to just present a small memento, I'm sorry for the trouble, a small memento to Professor K. Ray Chowdhury, a professor of neurology movement disorders at King's College Hospital and King's College London, and the medical director of the National Parkinson Foundation. Publications, the enormous data what he has, the contribution he has done. You can see the passion, a silent speaker, but a great, marvelous work, sir. Thank you. We'll be having a master class. Doshak Kiliam Arthure, can you please enlighten us, sir? Thank you very much. A very good evening to all of you. और मैं अपने एक्टर के नजरिए से बात करूंगा क्योंकि मैं पहले एक्टर हूं, बीच में एमपी हो गया हूं, लेकिन फिर भी मैं एक्टर ही हूं. एज एन एक्टर हमें काफी अलग अलग किस्म के रोल करने पड़ते हैं. कभी उसमें कोई मेंटल सिकनेस वाला होता है, मेंटल डिसऑर्डर वाला होता है, या पार्किंसन वाला होता है, या अल्जाइमर होता है, या कोई फिजिकली डिफॉर्मिटी होती है. अलग अलग किस्म के हमको रोल करने पड़ते हैं. पर ज्यादातर हिंदी फिल्मों में जो रोल होता है उसमें उतनी रिसर्च की जरूरत नहीं है, सब कुछ ओवर द टॉप होता है. एक ये आया था लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेंस टाइम, विच वाज अ बिग टंग ट्विस्टर दोस डेज. फिर एक दो ही फिल्म मुझे याद है जो अच्छी तरह से रिसर्च किया गया था डिजीज के बारे में, वरना तो नॉर्मली जो चलता है चलने दो. इनफैक्ट आई रिमेम्बर इन हेरा फेरी या ओ माय गॉड या दूसरी एक फिल्म थी राजा नाम की फिल्म आई थी, जिसके अंदर डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि तुझे पार्किंसन है. अब मुझे समझ भी नहीं पार्किंसन का डिग्री कितना होना चाहिए, तो मेरे डॉक्टर दोस्त है, मैंने उससे पूछा कि क्या हो सकता है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि पार्किंसन ऐसा ऐसा होता है, स्लाइट शेक होता है, ये भी होता है. और जो डायरेक्टर ने बोला वो तो ओवर द टॉप, उसमें पार्किंसन भी था और अमरसंस भी था. ये कभी कभी हमको भारी पड़ जाता है उसको कैरी करना, उसको एग्जीक्यूट करना, तो कभी कुछ मिल जाए अच्छे दोस्त या अच्छे डॉक्टर तो हमको संभाल लेते हैं. और मैं तब ये सोच रहा था कि एज एन एक्टर वी गेट टू लिव सो मेनी डिफरेंट लाइफ, यू नो, विदाउट लिविंग द रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस. लेकिन जो जब तक शूटिंग चलता है 100 डेज या 120 डेज, तब तक हम जो रोल करते हैं वो भी इतना ट्रॉमेटिक रहता है, इतना पेनफुल रहता है, इतना स्ट्रेस आता है कि आप वाकई बाय द एंड ऑफ द डे आप थक जाते हैं. तो मैं ये सोच रहा था कि जो पेशेंट वाकई जिंदगी में ये भुगत रहा उसकी तो क्या हालत होती हो, अनइमेजिनेबल होता होगा उसके लिए, उनके लिए, उनके फैमिली मेंबर के लिए, दोस्तों के लिए,
पूरी लाइफ आपकी केज हो जाती है, एक जगह पे पड़े रहना पड़ता है। अभी यहाँ पे जो दिखाया विनोद जी ने फुटेज, एक फुटेज जो मुझे अली ने दिखाया था अंदर, वो पेशेंट जंप भी करता, इसमें आपने नहीं दिखाया, I was just waiting for that. But very effective. तो और मैं अली के पास यहाँ पे आता जाता रहता हूँ, I know him since to be precise I started, मैंने उनके हाथ के नीचे फिजियोथेरापी शुरू किया 91 में 26 सितंबर को, बिकॉज 25 सितंबर को मेरा पैर टूट गया था, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, क्योंकि दो दिन के बाद मेरा छोटा बेटा है उसका जन्म हुआ था, तो लाइंग हियर एंड देन अली केम एंड वेरी सूदिंगली, और उससे पहले मैं कॉलेज डे से जानता था, तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो सुकून मिलता है, उनका पूरा स्टाफ वेरी वॉर्म, वेरी कर्टियर, वेरी एनकरेजिंग। तो अली ने जब मुझे बोला कि यहाँ पे आना है, मैंने बोला ग्लैडली मैं आऊंगा, बिकॉज एक तो क्या है मैं भी सीनियर सिटीजन हो गया, जो जो चीजें होती है जान लेना चाहिए, तो मैं ऊपर वाला करे ऐसी नौबत ना आए। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि जब अलग अलग किस्म के रोल आते हैं, लेकिन अब जब पार्किंसन का रोल कोई मुझे देगा तो मैं कहूंगा ये मत करना भैया, उसकी दवाई निकल चुकी है। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, जो मैंने देखा है, जो प्रिपरेशन है और जिस तरह का रिस्पॉन्स है यहाँ पे, इसकी दवाई निकल चुकी है, तो पार्किंसन का रोल तो मैं नहीं करूंगा और किसी को करना भी नहीं चाहिए। और आई एम रियली माने वाकई रेवोल्यूशनरी है, गेम चेंजर है, पाथ ब्रेकिंग ड्रग है ये, और मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ किंग्स कॉलेज का, डॉक्टर विनोद मेहता का, डॉक्टर चौधरी साहब का, और नानावटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है उनके जो CEO है डॉक्टर राजन पाटनकर जी का, और अली का मुझे यहाँ पे बुलाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ड्रग बहुत जल्द यहाँ पे आए। सर दीपक सावंत जी साहब के हाथ में है, बहुत जल्द यहाँ पे अपने देश में आ जाए और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, तो सबको उसका लाभ मिले, इसका जितना हो सके उतना प्रचार करना चाहिए। ये हो गया मेरा नजरिया, ये जो मुझे बोलना था बोल दिया, अब एज अ पॉलिटिशियन नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि काफी चीजें असर नहीं हो रही है या कम असर कर रही है, तो डॉक्टर लोग ही कुछ ऐसी दवाई निकाले कि जो हिंदुस्तानी लोग खाए और दिल में से हिंदू मुसलमान के खिलाफ का जहर निकल जाए। Thank you, sir. I would now request our very own honorable Thank you very much. Gentlemen, the people on the dais, honorable member of Lok Sabha, the veteran actor from the Bollywood, Shri Paresh Rawalji, I will say Padma Shri Paresh Rawalji, Ali Irani ji, sometime I go in 1985, we were very close together with Kiran More. Dr. Chaudhary ji, Dr. Vinod ji, Dr. Patankar ji, the faculties from the King's Hospital, London, the people from the Britannia Pharmaceutical, ladies and gentlemen, and my dear friends. Really, it is a revolutionary treatment for the Parkinsonism, which is launched in my own hospital, Nanavati Hospital.
because this is my birthplace, Paresh ji. Abhay Suri ji is known to this fact especially because in 1955, I will give you my age. In 1955, my birthplace is under Dr. Shankari, was in this hospital. Since that time, the Nanavati is progressing day by day. And now, under the captaincy of Soi sir and his family members, and Patankar, Dr. Ansari, and my dear friend Deepak Patkar, they are doing the best at their capacity. Because this was needed in the western suburb, because the population is increasing day by day in the western suburb, right from the Bandra onwards to the Dahisar and the Uri. And one more thing I want to reveal again, once again, because my mother was a patient of Alzheimer's and Huntington's code. Dr. Ansari, the president of Dr. Ansari, please. I would request dignitaries, just give us 5 minutes, the much awaited event, the unveiling of the apomorphine medical system is going to be there in 2 minutes. I request all the dignitaries, Dr. Ansari, I would request to just a small moment to Dr. Ali Rani. Without him, we could not have today's day. If you know Dr. Ali Rani, you would have introduction. He is the man behind today's day. Can we get the kids, please, for the unveiling? So I would request Aplya Hatani's unveiling of kids' yeah. Inauguration. I think in next session we will be showing our own Indian patients' improvement. Meeta Shah madam. So the Neeta Shah madam will help us in carrying out the entire Parkinson program. Ma'am. So can we hear loud, please? A huge round of applause. सी पार्किंस ओके पार्किंसंस के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। ये बात बहुत ही दुरुस्त है और इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हर घर में इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से हम लोग ये प्रसार और प्रचार करेंगे और जैसे कि अभी तक इसमें कोई भी कदम नहीं रखा गया था, लेकिन ये गवर्नमेंट ने मेमोरी क्लिनिक के माध्यम से ये फील्ड में भी कदम रखा है और डेफिनेटली वी विल प्रमोट दिस आइडिया। कॉस्ट वाइज और यहाँ पर कब तक पॉसिबिलिटी कि हमारे इंडिया में ये अवेलेबल हो?
देखिए कॉस्ट वाइज उसके लिए कॉस्ट वर्किंग करना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, और सब्सिडी दे सकते हैं कि नहीं ये भी एग्जामिन करना चाहिए। और डेफिनेटली हम लोग एक कहना चाहेंगे कि इससे तुरंत उसके मूवमेंट में फ़र्क पड़ता है, डिसेबिलिटी कंट्रोल हो जाती है, पेशेंट चल सकता है, पेशेंट की मूवमेंट जो इन्वॉलेंट्री मूवमेंट्स है वो कंट्रोल हो जाती है, ये आपने वीडियो क्लिप में भी देखा है। सर बीएमसी के स्कूलों में अब शाम के समय में प्राइवेट ओपीडी की बात कही जा रही है। मैडम सर मिलते नहीं है सर, सर ये भी हेल्थ से जुड़ा हुआ मैटर है। देखिए इसके बारे में मैं अलग से आपको इंटरव्यू दूंगा, लेकिन इसके लिए हम लोग, उन्होंने भी कहा है कि ब्रिटानिया कंपनी की तरफ से लंदन हॉस्पिटल से भी कहा गया है कि हम लोग अगर पुअर नीडी पेशेंट है तो कुछ पेशेंट वो लोग फ्री भी करेंगे एज अ पायलट बेसिस, और डेफिनेटली 50% तक हम लोग उनके लिए काम कर सकते हैं। बाइसिकल एम्बुलेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बाइट दे दिया है, ये जो जेरियाट्रिक पेशेंट है जिसका एज 60-70 के बीच में है, ऐसे पेशेंट अगर कॉल करेंगे ये 15 जनवरी के बाद में ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। बीएमसी ओपीडी प्राइवेट ओपीडी शुरू करने की बात मेरे तो कान पे नहीं आई, क्योंकि ये एरिया में पायलट प्रोजेक्ट में 25। सर परेश बड़ी नहीं, नो पॉलिटिकल क्वेश्चन सर, आपने तो हर चीज का जवाब हमेशा से दिया। नहीं नहीं सर क्या कहेंगे आप? ओके ओके ओके, मैं ये कहूँगा कि बड़ी होप है, ये जो दवाई आ रही है सबके लिए एक बड़ी होप लेकर आया है, जैसा मैंने कहा पाथ ब्रेकिंग है, और फट से मैंने 2 मिनट के अंदर आदमी दुरुस्त हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। सर बुलंदशहर की घटना, बुलंदशहर की कहेंगे आप? सर प्लीज थैंक, प्लीज थैंक यू, थैंक यू सो मच।